वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में अक्सर हम बात करते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन आज का सवाल है एक ऐसे कोर्स के बारे में। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हाँ, जानना तो बनता है, क्या पता यही आपका गोल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रूबी पारिक और बात करेंगे हम आज CIPET यानी कि सिपेट, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर फोकस करता है। ये इंस्टीट्यूट 1968 में एस्टेब्लिश हुआ, पहले से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। सिपेट में चलने वाली एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स एकेडमिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी सपोर्ट और स्किल ट्रेनिंग पर बेस्ड होते हैं। इस इंस्टीट्यूट ने पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल रिकॉग्निशन भी गेन की है। साथ ही प्लास्टिक के फील्ड में हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इसने खास पहचान बनाई है। सिपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज को डिवोटेड दुनिया के लार्जेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट में से एक है। इस इंस्टीट्यूट में हर साल 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट PhD, UG, PG, PG डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग के जरिए ट्रेंड होते हैं। सिपेट कोर्सेज कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को न केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी पॉलीमर, प्लास्टिक और अलाइड इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और सिपेट के कोर्स कंप्लीट कर चुके बहुत से स्टूडेंट्स को सूटेबल प्लेसमेंट भी मिल चुके हैं। सिपेट की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर में बहुत सी कंपनीज को ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए इनवाइट करती है, और सिपेट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 85-90% रहता है, और बाकी 10-15% स्टूडेंट्स में से 5% एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करते हैं और बाकी हायर स्टडीज करते हैं। तो आपको बता दें कि इन सेंटर्स पर हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। सिपेट से जुड़ी बेसिक इन्फो लेने के बाद अब वीडियो में आगे बात करते हैं सिपेट में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। सिपेट में बहुत तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं जिन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, और दूसरा है शॉर्ट टर्म वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो सिपेट के शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन एरियाज में कंडक्ट किए जाते हैं। डिजाइन टूलिंग, कैड कैम, CNC प्रोग्राम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक, मशीन मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिपेट का एम अपने इन प्रोग्राम्स के जरिए पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्वालिफाइड प्लास्टिक प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कराना है। ये कोर्सेज CIPET सेंटर्स यानी कि सिपेट सेंटर्स पर ऑफर किए जाते हैं, और सिपेट सेंटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन और वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज और प्रोग्राम है। ये 3 सेंटर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी कि IPT, सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट यानी कि CSTS, और स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स यानी कि SARP। वैसे आपको ये भी बता दें कि सिपेट में प्लास्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं, जो टोटल 8 है। सिपेट IPT चेन्नई, सिपेट IPT अहमदाबाद, सिपेट IPT लखनऊ, सिपेट IPT भुवनेश्वर, सिपेट IPT कोची, सिपेट IPT रायपुर, सिपेट IPT जयपुर और सिपेट IPT मुरुथल। इन सभी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स को शुरू करने का मेन पर्पस प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में मैन पावर को डेवलप करना है। सिपेट के 23 CSTS सेंटर्स यानी कि सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट भी है, और 3 SARP सेंटर्स भी है। तो आइए अब जानते हैं सिपेट के सेंटर्स पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कौन कौन से लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है, और इसमें एडमिशन के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड है। इसी तरह डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी भी 3 साल का कोर्स है, जिसके लिए भी एंट्री क्वालिफिकेशन फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड है। अब जानते हैं पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। ये कोर्स है पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विद कैड और कैम। इसकी ड्यूरेशन 1.5 साल होती है, और इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है, जो इनमें से किसी एक में होना चाहिए। मैकेनिकल, प्लास्टिक्स, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल एटसेट्रा। अब जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग की बात करें तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है और इसमें एडमिशन के लिए आपके पास साइंस में 3 साल की फुल टाइम डिग्री होनी जरूरी है। सभी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन CIPET यानी कि सिपेट JEE के थ्रू होता है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोई एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT JEE एग्जाम देना होता है और सिलेक्शन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। सिपेट के डिप्लोमा प्रोग्राम्स की फीस 16,700 से 20,000 पर सेमेस्टर होती है। डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद BE या BTEC में लेटरल एंट्री भी ली जा सकती है और डिप्लोमा प्रोग्राम के डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब जानते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, जिसमें 2 कोर्सेज शामिल है, BE और BTEC इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों ही कोर्सेज की ड्यूरेशन 4 साल है और इन कोर्सेज के लिए मैक्सिमम एज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स पर बेस्ड होती है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन 10+2 विद मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। इन कोर्सेज के लिए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज है सिपेट IPT अहमदाबाद, जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से एफिलिएटेड है, सिपेट IPT भुवनेश्वर, जो बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के साथ एफिलिएटेड है, सिपेट IPT चेन्नई, जो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के साथ एफिलिएटेड है, सिपेट IPT लखनऊ, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के साथ एफिलिएटेड है, और सिपेट IPT रायपुर, जो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई के साथ एफिलिएटेड है। और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे सिपेट IPT चेन्नई में एडमिशन के लिए आपको अन्ना यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली TN इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। सिपेट IPT भुवनेश्वर के लिए आपको सिपेट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि OJEE क्लियर करना होगा। सिपेट IPT लखनऊ में एडमिशन के लिए आपको सिपेट JEE एग्जाम या UPSEE के लिए अप्लाई करना होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की फर्स्ट ईयर की अप्रॉक्स फीस 65,000 रुपए है। और अब जानते हैं PG कोर्सेज के बारे में और सिपेट के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज ये हैं। ME और MTEC इन प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, MTEC इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, ME इन CAD और CAM, MSc टेक्नोलॉजी इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, MSc इन बायो पॉलीमर साइंस, MSc इन पॉलीमर साइंस, MSc इन अप्लाइड पॉलीमर साइंस एंड MTEC इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो आइए इनमें से कुछ कोर्सेज के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ME और MTEC इन प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल होती है और इनमें एडमिशन के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन BSc या इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक में 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, पॉलीमर, प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या MSc इन पॉलीमर साइंस या MSc इन केमिस्ट्री विद पॉलीमर स्पेशलाइजेशन। ये कोर्स 4 इंस्टीट्यूट्स में ऑफर किए जाते हैं, सिपेट IPT अहमदाबाद, सिपेट IPT भुवनेश्वर, सिपेट IPT चेन्नई और सिपेट IPT लखनऊ। अगला PG कोर्स है MTEC यानी कि पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है और इसके लिए आपकी एंट्री क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, 4 साल की BE या BTEC डिग्री जो मैकेनिकल प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पॉलीमर केमिकल में हो, या फिर MSc इन पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में हो। साथ ही वैलिड गेट स्कोर होना भी जरूरी है। ये कोर्स केवल सिपेट IPT भुवनेश्वर में ऑफर किया जाता है, जो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से एफिलिएटेड है। अगला PG कोर्स है MSc इन पॉलीमर साइंस। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है और इसमें एडमिशन के लिए आपके पास BSc में केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलीमर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में से कोई एक मेजर सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये कोर्स 3 सेंटर्स पर ऑफर किया जाता है, सिपेट IPT अहमदाबाद, सिपेट IPT भुवनेश्वर और सिपेट IPT कोच्चि। वैसे कोर्सेज के बाद आपको ये भी बता देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फर्स्ट ईयर की फीस 42,000 से 77,000 रुपए तक है। वैसे इसी तरह आप PhD प्रोग्राम 3 SARP सेंटर्स यानी स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल से कर सकते हैं। सिपेट के 3 SARP सेंटर्स ये हैं: APSTPS चेन्नई यानी कि एडवांस्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट स्टिम्यूलेशन, APDDRL बेंगलुरु यानी एडवांस्ड पॉलीमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी, NLARPM भुवनेश्वर यानी कि लेबोरेटरी फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोटोकेमिकल मटेरियल्स। और PhD के लिए एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपको पता होने चाहिए और ये यूनिवर्सिटीज हैं: अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई,
विश्वेसराय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलागवी और बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला। तो दोस्तों, इस तरह अब आपके पास सिपेट के प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आ गई है, जिसका यूज करके आप इस इंस्टीट्यूट के कोर्सेज की वर्थ पता लगा सकते हैं और अपने लिए बेस्ट कोर्स चूज कर सकते हैं। और अगर आप सिपेट कोर्सेज के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sipet.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको फायदा मिला है। तो अब बारी है इस जानकारी को बाकी सब तक पहुंचाने की, क्योंकि फायदा सबको मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर ऑलरेडी आपने लाइक कर लिया है। और इसी के साथ आपका कोई सवाल है जो क्विक सपोर्ट पर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिख भेजिए और कीजिए थोड़ा सा इंतजार अपने सवाल के जवाब के लिए। इसके अलावा जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए रोबी आपसे कहेगी धन्यवाद।